चलो बेटा, अपना अगला चैप्टर है चैप्टर 4, नियोजन प्लानिंग। नियोजन सुनो, क्या होगा प्लानिंग नियोजन? कल संडे है सर, दशहरा है, कल क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में पहले से डिसाइड कर लेते हो प्लानिंग। ये तो अभी हम क्या इनफॉर्मली तरीके से डिसाइड करते कि चलो यार कल संडे, कल मूवी देखने चले आएंगे, कहीं और घूमने चले आएंगे, कि रिलेटिव के यहाँ पे चले आएंगे। तो आपने क्या करना है, रिलेटिव के यहाँ पे आना, कब जाना है, कल जाना है, कहाँ जाना है, चलो देवास जाना है, ठीक है, क्यों जाना, कुछ काम है। ये तो अपन अपने पारिवारिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूं तो वो अंदाजे से नहीं रहते ना, उनको क्या करना, लाइक किसी बिजनेस का पर्पस क्या है। मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाना, तो एक साल में कितने मोबाइल बनाना, लाइक 5,000, तो क्या करना है, एक साल में 5,000 मोबाइल बनाना, कब करना है, मतलब एक साल के अंदर करना है। अब कैसे करेंगे, इस मोबाइल की प्लानिंग है तो अपन प्रोडक्शन कैसे करेंगे, है ना, कितना प्रॉफिट आना, मतलब एक तरीके से भविष्य में देखने की एक प्रोसेस हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं सर, नियोजन क्या भविष्य को एक प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है प्लानिंग, लेकिन यहाँ पे भविष्य बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट होना चाहिए। अगर गलती हो गई है तो यह फाइनेंशियली बिजनेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा ना? तो सबसे पहला मीनिंग आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, है ना, प्लानिंग नियोजन क्या है ना? नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के बारे में हम जानने का अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, हाउ टू डू, है ना, हुज टू डू इट, है ना, वेयर टू डू, इन सबके बारे में जो क्वेश्चन टैक्स है इनके बारे में ही आप क्या करते हो, प्रिडिक्शन लगाते हो, अनुमान लगाते हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, योजना बनाना कहते हैं। क्लियर है? इसमें पहले एक मीनिंग आती है आपको, दो नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, ना, मीनिंग। देखो क्या कहा इसके अंदर मैनेजमेंट की मीनिंग में, लिटरली मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज टू, क्या, प्लानिंग इज टू मेक प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, है ना, अनुवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है प्लान, है ना, जिसके ऊपर आप कार्य कर रहे हो, है ना। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटीज, दिमाग से की गई होती प्लानिंग, है ना, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटीज, है ना, इन सिंपल लैंग्वेज साधारण भाषा में कहा जाए, इन एडवांस पहले से ही निर्धारित करना, क्या व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, ना, कैसे करना है, ना, हु इज टू डू इट, कौन करेगा, एंड वेन टू डू इस प्लानिंग, क्या करना, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर देना, ये क्या होगा, प्लानिंग होगा, है ना, पूर्व निर्धारण करना है नियोजन कहलाएगा। एक और नहीं है क्या आपके साथ वाली, कह रहा हूँ, अच्छा आज वो नहीं है ना, ठीक, समझ गए बेटा, कोई एक डेफिनेशन आएगी, हो सकता है डेफिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, है ना, या क्वेश्चन आ सकता है नियोजन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन प्लानिंग। अब दिक्कत कहां पर आती, जब ये ऑब्जेक्टिव में जाते, कोई सी की भी एक डेफिनेशन दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये किसने कहा, 25 में से 25 ऑब्जेक्टिव तब परफेक्ट होते जब ये नहीं आए, क्योंकि आपने देखा सर हर चैप्टर में 10-10 डेफिनेशन है। अब 10 में से ऑब्जेक्टिव में 2 दे दे कि भैया ये किसने कहा है बताओ, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तुक्का ही लगते हैं, फिर नहीं होते, इसलिए 98-99 वाले जो रुकते हैं ना बीएस में, वो 2 नंबर इसी के कारण रुकते हैं, अदरवाइज सब कर लोगे, बस दिक्कत है डेफिनेशन क्या थी। तो इनमें हमें ऐसी डेफिनेशन देखना जो ज्यादा हाईलाइट होती है, जो कई बार पूछी है, एक ही बुक है क्या दोनों के पास, और अरे
हाँ अंजलि आप इधर आ जाओ। अंजलि का नाम बहुत आता वीडियो में, ये आती तो भी नहीं आता, आता है बड़े, नहीं आती तो भी आता है। इसमें जो ज्यादातर आती है ये थर्ड वाली, जॉर्ज आर टेरे की ना, इट इज अ सिलेक्शन एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स इन द, है ना, विजुअलाइजेशन और एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज, है ना, बिलीव नेसेसरी टू अचीव डिजायर रिजल्ट। ठीक है, मतलब चयन करना एंड रिलेटिंग फैक्ट्स के विजुलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज, प्रस्तावित कुछ काम करने वाले हो आप, उसके ऊपर आप कोई प्लान बना रहे हो, है ना। एक तो एक आता है कि जेम्स लुंडी की आती है यहाँ पे फिफ्थ नंबर में, इसकी बहुत पूछता है वो, है ना। प्लानिंग मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन, है ना, हाउ एंड वेयर इज टू बी डन, हु इज टू डू इट एंड हाउ रिजल्ट, ठीक है, आर टू बी एविलेटेड। एक दो और एक तीसरी आती कुंटज ओडोनल, कुंटज एंड ओडोनल। तो कई बार क्वेश्चन आता है ना, जैसे कॉलेज में आ जाता था, कॉलेज में भी हर चैप्टर्स में 9 सब्जेक्ट रहते हैं और आप सब में डेफिनेशन आ जाती है कि मीनिंग भी बताए, डिफाइन कीजिए। अब 9 पेपर हर चैप्टर्स में, मतलब हर सब्जेक्ट में इतने चैप्टर, और सबकी एक ही डेफिनेशन को बोलने वाले 10 राइटर। अब आपको डिफाइन करने के लिए आ गया तो हम कैसे करते थे, क्योंकि इतने राइटर ना हमें पता ना सर को पता है, तो मन से कोई अंग्रेजी नाम डाल देते थे, उसके रिलेटेड लिख देते थे, है ना। अब बहुत सारों को नाम आता ही नहीं था, तो जो क्रिकेट के शौकीन थे तो उसके नाम लिख देते, है ना, प्लानिंग इज हाउ टू डू इट इस टाइप में, और फिर नीचे डेस्क करके लिख देते थे जॉर्ज वेली, है ना, किस कोई सा ऐसा नाम लिख देते जो सुने उन्होंने, तो ऐसा ट्रेंड बन गया कॉलेज में कि सब क्रिकेटर के नाम, किसी ना किसी के नाम क्रिस गेल के अनुसार हिंदी मीडियम वाले लिख देते। अब नाम ही नहीं पता था उनको, और मार्किंग भी मिल जाती थी इनको, और नाम ही ऐसे अजीब गजीब अजीब, कुछ क्रिकेटर के जो पकड़ में आते हैं तो वो तो नंबर कटना है, लेकिन कुछ ऐसे नाम रहते जो फिलिप से एल्बर्टो के थ्रू या इस टाइप के डाल देते। अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को तो बहुत बेसिक आएंगे, दो तीन जो हाईलाइट आती कुंटज ओडोनल, जेम्स के बारे में, और एक है कौन सी, जॉर्ज आर टेरी की। इन तीनों में से कोई एक डेफिनेशन दे सकता है, आप तीनों में से कोई एक याद कर लो और बाकी तीन थोड़े समझ के रखना कि किसने कहा है ना? नेचर क्या विशेषता है होगी, नियोजन की विशेषता है। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अगर मुझे किसी के बारे में पता है तो उसकी खासियत बताना ही कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक मैं जतिन का बोलूँ तो जतिन के बारे में जो कुछ जानते हैं उसका इंट्रोडक्शन है ना, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या। अब उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, उसका व्यवहार कैसा है ना, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, जो भी चीजें आप बता सकते हो, है ना, जो उसके अंदर की क्वालिटीज है, ठीक है। अब उससे आपको क्या फायदा, वो उसके एडवांटेज, जो कमियां है वो डिसएडवांटेज, नुकसान। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग की क्या सबसे पहली विशेषता है, कि मानसिक गतिविधि, मेंटल एक्टिविटीज, है ना। प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो किसके कैसी होती है, मेंटल एक्टिविटीज होती है, मानसिक गतिविधि है ना। दूसरा है ना, मैनेजमेंट का वर्क है, प्रबंध का कार्य है ना, प्लानिंग हमेशा मैनेजर्स करते हैं, ना कि कोई एम्प्लॉय या वर्कर करेगा, है ना। तो दूसरा क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट का। तीसरा, फोरकास्टिंग बेस्ड, पूर्व अनुमानों पर आधारित रहती है। आप प्लानिंग भविष्य की करते हैं, हम ना कि हम पास्ट की करते हैं, क्लियर है। तीन हो गया, और कंटिन्यू प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। एक चीज की प्लानिंग खत्म होगी, बिजनेस में कंपनी है तो ऐसा नहीं कि आप कंपनी बंद कर दो, अगली चीज की प्लानिंग हो जाएगी, फिर अगली चीज की कंटिन्यू चलती है, और यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, सार्वभौमिक। दो तीन तो आपको नॉर्मली मिलेगी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में, पहले से लेके आप है ना 6वें 7वें चैप्टर तक
सर कंटिन्यू प्रोसेस, मेंटल एक्टिविटीज, यूनिवर्सल प्रोसेस, तीन तो आपको मिल ही जाएगी, निरंतर प्रक्रिया, मानसिक गतिविधि और सार्वभौमिक प्रक्रिया, तो तीन तो आपको अधिकतर मिल ही जाएगी, इसमें भी वही तीन है ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तीन हो गया, चार पॉइंट्स हो गया, चार क्या पांच बता दिए थे ना मैंने, मैनेजमेंट का वर्क प्रबंध का कार्य है, मेंटल एक्टिविटीज मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, गतिविधि है ना, और क्या कंटिन्यू प्रोसेस निरंतर प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, और बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग भविष्य पर पूर्वानुमानों पर आधारित है। पांच पॉइंट हो गए आपके। पांच नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, कर सकते हो ये, देख लो बेटा। अब इसमें जो पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं उसको टिक कर लो, उसको शॉर्ट करके उसको कॉपी में लिखो, है ना। तो बेटा आपको कॉपी इसलिए बनाना है, चेक कराने के लिए नहीं कि सर जब हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमको इतने सारे कंटेंट छाटना ना पड़े, जो हमारे काम के जो हमने पढ़ रखा है जो इंटरेस्टिंग है वो हमें सामने मिल जाए, और उसमें भी शॉर्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, टोटल 10 है, 10 में से कोई से पांच करना है, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, क्यों करते हो प्लानिंग, उद्देश्य क्या है, आपने किसी चीज की प्लानिंग करी तो क्यों ना, एक तो पहली बात तो आपको एक सही दिशा निर्देश मिल जाएंगे, प्रॉपर डायरेक्शन, कि नहीं सर हमने प्लान कर रखा, इस प्लान के थ्रू अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अनप्लान पढ़ाई करते हो, कोई प्लान से पढ़ाई कर रहा है, अंतर रहता है ना। और मानो अगर आपका जैसे एक स्कूल में प्लान के थ्रू आपकी पढ़ाई होती है, लेक्चर सुन लगाए जाते हैं, इस टाइम पे क्वार्टरली तक आपका इतना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, हाफ ईयरली तक इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस टाइम पे ये लेक्चर्स लगेंगे। जब हम छोटे थे ना तो थर्ड स्टैंडर्ड तक कोई लेक्चर्स नहीं लगता था, और अभी भी नहीं लगता होगा शायद, एक ही टीचर एक ही बच्चे को चार घंटे तक पढ़ाती रहती है, उससे उनकी एनर्जी भी डाउन होती है, पढ़ाने का इंटरेस्ट भी खत्म होता है, और कोर्स के बारे में पता नहीं रहता है ना, एक ही टीचर है, इसको कहाँ तक पढ़ाया था, उसको कहाँ तक पढ़ाया था, तो स्किल्ड भी नहीं मिल पाती है। तो क्या अच्छी प्लानिंग से हमें एक सही डायरेक्शन मिल जाती है, सही उचित दिशा निर्देश मिल जाते हैं आपको, है ना। उसके बाद भविष्य में होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, मुझे पता है अगर मुझे सीए बनना है लाइक या कुछ और करना है, आपने प्लान कर रखा, आपने अभी से प्लानिंग कर ली, आपको पता है कि भविष्य में मैं करूंगा तो कम से कम मुझे इतना परसेंट चाहिए, इतना फंड चाहिए, मेरे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट रहेंगे, कौन कौन से मेरे को सब्जेक्ट्स में कमांडिंग करना है ना, किस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है तो वो कौन सी ब्रांच लूंगा मैं, है ना। ये आपने अभी से सोच लिया और इसी के थ्रू आप प्लान कर रहे हो तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे अगर एक कंपनी इस तरीके से प्लान कर रही है उसका प्रोडक्ट में, तो भविष्य में होने वाली कमियों को या रुकावटों को वो रोक सकती है ना। तो यहाँ पर क्या है, यह लिखा है सेकंड पॉइंट हिंदी मीडियम में, क्या लिखा है बेटा, क्या, अच्छा क्रियाओं में एकता पैदा करना, ठीक है। और इसमें बेटा थर्ड वाला भी देखो, प्लानिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एक अच्छी प्लानिंग से आपको क्या इंफॉर्मेशन बहुत मिल जाती है। लाइक कोई बच्चा मोबाइल खरीदने का प्लान कर रहा है, प्लान भी एक मोबाइल खरीदने का कर रहा है, कि जैसे किसी का प्लान चल रहा होगा तो मोबाइल उसको एक खरीदना है, पूरे मार्केट में जितने भी मोबाइल है सबकी जानकारी निकाल लेंगे वो, है ना, कि चलो मुझे वीवो का लूंगा तो वीवो का कौन सा प्राइस का लूंगा, कितनी रैम मिलेगी, कितनी इंटरनल मेमोरी मिलेगी, है ना, 5G कनेक्टिविटी है कि नहीं, फिर दूसरी कंपनियां सब कंपनियां सर्च कर लोगे आप A to Z, है ना, मोबाइल वालों से ज्यादा जानकारी तुमको हो जाएगी, सर्च करोगे इतना, है ना, एक ही रहता। तो प्लानिंग से आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, फिर उनमें से हम हमारे काम की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे कंपनी को फ्यूचर में कोई चीज बनानी है तो इन्फॉर्मेशन निकालेगी वहां से, कि चलो लाइक मेरे को कपड़ा कंपनी मुझे ना ठंड के लिए कपड़े बनाना, तो उनके लिए देखेंगे हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता, कितना सस्ता मिलेगा, क्या कॉस्टिंग आएगी, हम बेस्ट से बेस्ट चूज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाएगी, इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल गई तो क्या होगा, प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमिक्स, बिथ व्यता आ जाएगी बेटा, सस्ता हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने प्रॉपर प्लान से चीजें बनाई है तो गलतियां कम हुई है, वेस्टेज कम हुआ है,
तो जो प्रोडक्ट हमारा 5 रुपए में बन रहा था वो कितने में बन सकता है, 3 में बन सकता है ना बेटा। आप सस्ता कर सकते हो एक अच्छी प्लानिंग से चीजों को, ठीक है। सस्ती है ना, मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। हमारे घर में हमारी मम्मी सबसे अच्छा करती है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट। सब्जी भी खरीदने जाएगी तो सोचती कि सस्ते कम से कम में ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, है ना। तो यही चीजें बिजनेस में रहती है कि एक बिजनेस में नहीं चाहता है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए उनको, कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके वो। पता लड़ाई किस बात की होती है, 20-20, 30-30 पैसे की लड़ाई होती है उनकी, 20 पैसे की, 30 पैसे की। कोशिश करते क्या रहे, एक प्रोडक्ट में उनको 20 पैसा भी कम हो गया तो बहुत बड़ा मार्जिन कर सकते हैं बेटा। वो ये जो पेन 2 रुपए में बनता है ना, जो आपको मिलता है 2 रुपए में लिखने वाला, वो बनता कितने में होगा, 1 रुपए 5 पैसे 10 पैसे में। अगर उसमें एक पेन में 10 पैसे भी कॉस्ट इनकम हो गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो कंपनी 1 साल में कम से कम 1 करोड़ पेन बना देती है, और 1 करोड़ में 20% का सेव हो रहा, 20 लाख का प्रॉफिट उनका बढ़ गया। 20 पैसे 10-10 पैसे कितनी वो रहती है। हर प्रोडक्ट में एक बोतल बना रहे, छोटी सी छोटी चीज बनाएंगे, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे टफ मानी जाती है। अभी आपको अगले साल से आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। सीए में भी सबसे ज्यादा टफ है, जिसमें बच्चे ज्यादा फेल होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कॉस्ट अकाउंटेड की कीमत इतनी ज्यादा रहती है, क्योंकि उसको लाखों करोड़ों की दिक्कत थी, उसको 10-10, 20-20 पैसे कम करना रहता है एक प्रोडक्ट में। कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाने में लगने वाला पैसा, तो उसको एक एक रुपए की अकाउंटिंग पे देखना पड़ता है। उसको प्रोडक्ट को कम से कम करना और अच्छी से अच्छी क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट में बिना क्वालिटी का कंप्रोमाइज करे उसकी लागत को कम करना रहेगा, कॉस्ट को, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसलिए कॉस्ट अकाउंटेड एक जो कारखाने में रहता ना, उसकी उसको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उसका काम भी बहुत प्रेशर रहता है। और क्या रहेगा इसमें, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को कम कर सकते हो आप, भविष्य में होने वाली समस्याओं को कम कर सकते हो। प्लानिंग है, आपको पता है कि प्लान हमारा प्रॉपरली बना, अगर भविष्य में ऐसी दिक्कत आई तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या होगा, रखते हैं ना कि नहीं सर भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, रहता लाइक बहुत सारों का कुछ ना कुछ। जैसे मैं आपको एमबीए बनना है, आपको पता है ग्रेजुएशन में एमबीए करना, तो ग्रेजुएशन में आपको 60% चाहिए, 70% चाहिए। बाय चांस आप एक पेपर नहीं दे पाए, क्योंकि मेरे सामने ऐसे कंडीशन आई थी, एक्सीडेंट हो गया था, हाथ पे लग गई, उसी दिन पेपर देने जा रहे थे ना, और बाय चांस सर अगर हम नहीं दे पाए पेपर और हमें एटीकेटी आ गई, तो फिर हमें एक अच्छा कॉलेज ग्रेजुएशन बेस पे मिलेगा नहीं, फिर क्या करेंगे। तो एक बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, नहीं सर फिर मैं इस सब्जेक्ट में इस तरफ जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। एक बैकअप प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। वैसे एक प्लानिंग, मैनेजमेंट प्लानिंग तो करता है, लेकिन देखते क्या, अगर भविष्य में वापस से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई तो क्या करेंगे, कोई और मार्केट में रिसेशन आ गया तो क्या करेंगे, है ना। उस समय के लिए बैकअप रखा जाता है ना। तो एक अच्छी प्लानिंग से भविष्य में जो अनिश्चितताएं पैदा होती है, मुसीबतें आती है, उसको आप क्या कर सकते हो, काफी हद तक निपट सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसलिए अगर आपको भी प्लानिंग करना है, भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको भी एज अ स्टूडेंट प्लानिंग करना है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए ना, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आई थिंक बैकअप प्लान सबसे अच्छा क्या होता है, अगर आप दो स्टडी में ही दो सेक्टर पे फोकस कर रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। नहीं सर अगर एमबीए नहीं होगा तो मैं सीए कर लूंगा, एलएलबी कर लूंगा, तो फिर आपका दिमाग दो जगह भटक रहा। तो बैकअप प्लान में आप हॉबी को प्रोफेशन ले लो, हॉबी को प्रोफेशन कैसे, जैसे मेरा तो एक मेन एम था सीए करना, तो सीए ही करना है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन डांसिंग मेरी हॉबी थी, कि पार्ट टाइम में डांस क्लास भी, अगर 50 बच्चे भी आते, 1 पर 1000 रुपए दे तो 50,000 रुपए ही हो गए, समझे क्या था। ये अभी भी मेरे पास ये हॉबी, और ये हॉबी मेरी इनकम का सोर्स भी अच्छा बन सकता है ना। आपको बता सर, अगर बड़ा हॉल मिल जाए, 25-25 करके 50 बच्चे हो जाए, तो 50,000 रुपए तो आपके पास इवनिंग में पार्ट टाइम का जाए। तो कोशिश करो एक अपनी हॉबी ऐसी हो कि जिससे इनकम का सोर्सेस भी जनरेट हो जाए,
उससे आपका मन भी लगा रहेगा। ये बैकअप प्लान्स होते हैं आपके। सिंगिंग में इंस्ट्रूमेंट बजाना या कुछ और भी चीजें रहती है, जैसे कुछ दोस्त है जो इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत माहिर है, उन्होंने उनके इंस्ट्रूमेंट के लिए है ना वो क्लासेस भी खोल दी, पियानो क्लास, गिटार क्लासेस, इंस्ट्रूमेंट ला के रख दिया। तो सुबह के थका हारे आते हैं, शाम को अपने हॉबीज में टाइम दे दे, तो उनका भी मन लगा हुआ रहता है और दूसरों को भी सिखाते, तो इनकम के सोर्स हो गए। तो ये बैकअप प्लान होना चाहिए ना। वैसे कंपनी के पास क्या बैकअप प्लान होगा कि चलो ये प्रोडक्ट नहीं बना तो इसी मटेरियल से कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या अर्जेंट में? ये बैकअप प्लान हो जाएगा, है ना। बैकअप प्लान ऐसा होता है, तो इससे क्या हो गया, भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अनसर्टेनिटीज को, है ना। प्रोवाइड्स हो जाते क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप निर्णय लेने की आप में क्षमता हो जाती है। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है तो आप डिसीजन ले सकते हो, है ना। अभी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि सर हमारे पास प्लानिंग नहीं है ना। बहुत सारों के पास अभी 12th के बाद कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं कि सर क्या करना, देन आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है बेटा। प्लानिंग होनी चाहिए। क्या है आप, क्या है प्लानिंग आपकी? बेटा ये MBA करना है तो आपका ऑब्जेक्ट है, प्लान क्या है उसके लिए? क्या बेटा प्लान का मतलब आपने इन्फॉर्मेशन क्या क्या निकाली? MBA कहाँ से करते है, इसके पहले हमें ग्रेजुएशन करना है तो BBA करना, तो सर BBA का जैसे जतिन ने पूछा था सर मुझे MBA करना, तो BBA के लिए मैंने उसको सजेशन दिया कुछ ना? तो बेटा और कौन सी ब्रांच से करोगे? क्योंकि GHB से तो कर नहीं सकते, GHB में CBSE के बच्चों को लेते ओनली, है ना। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के नाम से है, वही पे कंपनियां बहुत अच्छी जाती। मेरी सिस्टर भी थी वहां पे, तो उसको सिप्ला कंपनी ने अभी अफोर्ड करा है, BSC किया था उन्होंने, हाँ सिप्ला विधमपुर में थी। तो अच्छा अभी 15,000 नहीं दिया जा रहा है, ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड हो जाने का तुमका 25,000 के समथिंग हो जाएगा एक साल के बाद। तो सिप्ला ऑलरेडी अच्छी कंपनी है, तो ऐसी कंपनियां हो जाती है। उन्होंने अभी तो BSC किया, बोल रहे कि भैया MSC कर लूँ क्या, कोई सी अच्छी कंपनी आ जाएगी या मेट्रो या अपने दूसरे मेट्रो सिटीज में से किसी एक कोई कंपनी हमें ले ले तो ज्यादा अच्छा। तो मैंने ये बोला बेटा देख ऐसा है कि इंदौरी आलसी बहुत है ना, अगर आप सोचो कि अपने को किसी है ना बेंगलोर, दिल्ली, पुणे ऐसी सिटी में मिल जाए, तो यहाँ पे मशीनें चाहिए, इंसान नहीं मशीनें चाहिए। वो से गए थे दिल्ली से भाग कर आ गए, बोले काम इतना, प्रेशर इतना इतना, अल्टीमेटम दिया, तो वहां पे दो दो घंटे के प्लान्स बनते कि दो अल्टीमेटम्स दे दिया इनका, अल्टीमेटम्स के नाम से बोलते हैं कि दो घंटे में आपका इतना काम होना चाहिए, टाइम चालू हो गया दो घंटे में हाथ रुकने नहीं चाहिए, फटाफट उतना काम हो। CS है कंप्यूटर साइंस में, लगे दो घंटे तक, जैसे दो घंटा खत्म हुआ रुके नहीं साथ ही, तब तक अगला अल्टीमेटम्स आ गया कि अगले दो घंटे में काम कंप्लीट करके देना। और वो टारगेट बहुत सारों से नहीं होता है, फिर शाम को HR आके सबकी डिमांड लेता है, फिर सैलरी डिडक्शन है वो, तो इतना प्रेशर है कि 15 दिन के बाद बिना सैलरी के वापस आ गए वो ना। और नॉर्मली दूरी कहाँ पे कितनी दूर दूर पड़ जाते, 40-45 किलोमीटर दूर ऑफिस से, 40-45 किलोमीटर दूर है, तो बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे आधे घंटे तक, फिर बस में बैठेंगे 1-1.5 घंटे में वहां पे पहुंचेंगे, फिर हाथ एक जैसे चलते रहेंगे, फिर अगले शाम को छुट्टी होगी आधे घंटे बस स्टॉप पे, फिर धक्का मुक्की करके बैठेंगे तो रात को घर पहुंचेंगे, फिर कब खाना बनाते कभी, फिर सुबह 5-6 बजे फिर उठो, फिर तो यही उनकी ऐसी हालत हो जाती थी। इसलिए हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती उनको, सैटरडे और संडे, कि आराम से सैटरडे रेस्ट कर लो और संडे को रोते रहते थे कि कल मंडे फिर जाना है, टेंशन बहुत हो जाता उनको। तो ऐसा नहीं, फिर वो आ गए कि भाई अपना इंदौरी अच्छा है, यहाँ पे 40 की जगह 20 भी मिलेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ, घर का मकान है, कोई इतना टेंशन नहीं है। और मैं क्या, तो जिसकी कंपनी वो खुद बॉस भी आलती है, वो खुद आराम से 9-10 बजे उठ के आता है। मैं रियली में कुछ कंपनियों में था ना, कि वहां पे सर ने बोला कि 9 से 6 बजे का टाइम, अब 9 बजे में चला जाता और बाहर खड़ा रहता, तो शटर ही लगा, ताला ही नहीं खुला, आ रहा आराम से सर 10 बजे तक, उसमें भी आता है, फिर चाय बुलाते हैं, बैठते हैं आधे घंटे, फिर बात करते हैं, 11 बजे से काम चालू करते हैं, 9 बजे बुला लेते हैं, कुछ ऐसे आलसी मिल जाते हैं। तो इंदौरी में जो मेहनती है,
वो टिक जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मिलते बहुत कम है, इसलिए अपने इंदौर में यूपी बिहार के बहुत मिलेंगे, वो मेहनती है, पैसा भी कम मांगते हैं। ये होता है कि आपको डिसीजन के लिए क्राइटेरियस मिल जाते हैं और मिल जाएंगे, फोरकास्टिंग, आप भविष्य के बारे में क्या कुछ फोरकास्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, है ना। डायरेक्शन एंड कंट्रोल, आपको एक प्लानिंग से प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है और आप एक कंट्रोल में काम करते हो, है ना, नियंत्रण में। आपकी प्लानिंग अच्छी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपके पास डायरेक्शन है और आपको खुद पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बस इसमें से बेटा ऐसा कर लो, इसमें से कुछ सिर्फ 5 पॉइंट करना है आपको। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट आए, देखो उसके आगे भी लिखा इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व और आवश्यकता है, मिल गया बेटा। सेम दोनों में से आप कोई सा भी लिख दो, ऑब्जेक्ट आए, इंपॉर्टेंस आए, नीड आए, तीनों में एक ही आंसर आएगा, नियोजन का उद्देश्य महत्व आवश्यकता। इंपॉर्टेंस में भी वही लिखा है, देखो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, नाम बदल चुके हैं लेकिन मीनिंग वही है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में पीछे देखो उसमें लिखा ब्रिंग इकोनॉमिक इकोनॉमी, अभी पढ़ा था ना, सस्ता कर देना, इकोनॉमिक का मतलब ना, तो ये क्या हो गया। दूसरा रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम कर देना, इसमें अपन ने भी पढ़ा था, है ना। फिर क्या है, मिल जाएगी बेटा इसमें, है ना, इसमें भी 12 पॉइंट है, तो आपको क्या है रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप इंपोर्टेंस के ही महत्व के ही कोई 5 पॉइंट लिख दोगे तो यहां पर भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आता, लिमिटेशन, सीमाएं, नियोजन की सीमाएं, देखो सब फायदा ही नहीं होता प्लानिंग से, अगर अच्छे प्लानिंग से बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते, ध्यान दो बेटा क्या हुआ, अगर अच्छी प्लानिंग, अच्छे नियोजन से बिजनेस सक्सेसफुल होने लग जाते तो हर बिजनेसमैन प्लानिंग पे ही ध्यान देता है। प्लानिंग अच्छी बन तो जाती है लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। अपने भारत में भी नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, बहुत अच्छी है, फिर कांग्रेस ने सवाल उठा दे, देखो प्लानिंग करना और उसको जमीन पे लाने में जमीन आसमान का अंतर है, कि प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। पता पढ़ा किसी ने न्यू एजुकेशन प्लानिंग का, कितने सारे चेंजेस है लेकिन एक्चुअल में अप्लाई करना कितना टफ रहेगा। बच्चा 6 स्टैंडर्ड से फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लेगा, लाइक लाइटिंग, प्लम्बर, फर्नीचर का, इलेक्ट्रिशियन का, जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है। तो अब एक फर्नीचर वाला सर स्कूल में रखो जो बच्चों को फर्नीचर कारपेंटर्स के बारे में जानकारी, एक इलेक्ट्रिशियन को स्कूल में रखो जो इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी दे। अब इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन को रखो, है ना, उसको सैलरी अलग दो, उसको सामान लाके दो, बच्चों को दिखाए सिखाए। अब बच्चों को सिखाने के लिए उसने रख भी दिया, बच्चे आप पता चले एक दो बच्चे झटके खा के बैठ गए, रहते ना जो छठी वाले बच्चे ज्यादा उत्पात करते, रिस्की मामला भी है, कुछ लगा के अरे चलो यहाँ पे कुछ सीख गया और घर में आग लगा दी, टीवी खोल के पटक दिया, कुछ कर दिया, तो क्योंकि समय यही रहता है इनके दिमाग में, क्योंकि हमारे घर पे वो हमारा भयू है। अब वो मैंने बोला था मैं स्मार्ट टीवी लाया हूँ, उसने क्या करा, स्मार्ट टीवी के रिमोट को कार्टून लगा के छुपा था, तो हम ढूंढ लेते, उसने रिमोट ले गया और फ्रीजर में रख दिया, हम सब ढूंढने के परेशान हो गए, देखा फिर वो बर्फ जमाने का उसके अंदर रखा है फ्रिज के अंदर, तो इसी इसी जगह छुपाते। ये कोई क्लास आते तो अपने घर पे तो उन्होंने डस्टर का छुपाता था, बैग में रखा है कहीं ना कहीं रखा, उसकी चीजें मिलती ही नहीं है, ऐसे रहते। तो अब छठी क्लास का, 7वीं क्लास का बच्चा अगर ऐसी चीज ले लेगा तो उसके दिमाग में कुछ नई खुरापाती आ सकती है ना। और भी अलग अलग शिक्षा नीति में ऐसी चीजें दे रखी है, और छोटे स्कूल तो कर ही नहीं सकते, छोटे स्कूल तो ऐसी चीजें कहाँ करेंगे, क्योंकि लाइक अगर अपने स्कूल की बात कर ले यहाँ पर, तो ये और सामने बस्ती निरंजनपुर के बच्चे, तो वह इलेक्ट्रिशियन देखे पता चला खंबे पे चढ़ जाए तारा में, तो वो दिक्कत है ना ना।
प्लानिंग क्या होगी, क्या लिमिटेशन क्या होगी, सीमाएं क्या होगी बेटा? सबसे पहला फ्यूचर असर्टेन है, आप तो अच्छी से अच्छी प्लानिंग कर ली लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा, अनिश्चित है ना। हो सकता कई बार आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट ना मिले। बहुत सारों ने अच्छी प्लानिंग करी थी लेकिन किसने सोचा नहीं था ना कोरोना बिजनेस के ऐसी हालत कर देगी ना, तो भविष्य असर्टेन था ना। तो एक है कि अनिश्चितता रहती, अनुमान लगाया जा सकता है एकदम सही प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो पहली सीमा है, तो कई बार प्लानिंग फेल हो जाती है। दूसरा एंड ऑफ इनिशिएटिव, हिंदी मीडियम में व्यक्तिगत इनिशिएटिव का मतलब पहल करने की क्षमता, व्यक्तिगत रुचियों की समाप्ति हो जाती। हो सकता है देखो प्लानिंग का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट मैनेजर्स करते प्लानिंग, तो जो टॉप लेवल का वो मिडिल लोअर वालों की कई बार बातें नहीं सुनता। हो सकता है उनके पास अच्छी प्लानिंग है लेकिन सुनेगा नहीं, क्योंकि हम अगर आप अभी आप छोटे हो, अगर आप अपने घर पे कोई ज्ञान दोगे ना तो आपकी बातों को बहुत सेकेंडरी रखा जाएगा है ना, बहुत बाद में सुनेंगे नहीं, आपके पास कम अनुभव। हो सकता कई बार आप पत्ते की बात कह रहे हो लेकिन उनको नहीं सुनना तो नहीं सुनना है ना, रहते तो हमें भी बेटा इतना ज्यादा। यहाँ पर भी क्या रहता है कि है ना, पर्सनल पहल को महत्व नहीं दिया जाता, एंड ऑफ इनिशिएटिव। इसमें क्या कहा है देखो, पहला जो असर्टेन वाला है ना उसको यहां तक कर लेना बेटा, नॉट नेसेसरी फुली करेक्ट, मिल गया सेकंड पे फ्यूचर असर्टेन, पहला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट है ना, इसको यहां तक कर लेना। दूसरा एंड ऑफ इनिशिएटिव, अंडर प्लानिंग द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड बिफोर हैंड। ठीक है, लेट डाउन इन द प्लानिंग तक करना बेटा है ना, लेट डाउन इन द प्लानिंग, हिंदी मीडियम में भी लगवा दूंगा बेटा है ना। एक्सपेंसिव प्रोसेस, खर्चीली प्रक्रिया है वो, ध्यान रखना बेटा, प्लानिंग में पैसा बहुत लगता, खर्चीली लगती, इसलिए कोई बात कोई बहुत नॉर्मली प्लानिंग करते हो, कुछ प्लान करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजरों का यूज करते हैं, सीईओ को बिठा लिया, एमबीए हाई क्वालिटी के लेके आया, उनसे करवाया, उनसे प्लानिंग करवाया, वो इन्फॉर्मेशन करवाते, वो रिसर्च करवाते, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्चुअल में प्रोडक्शन बंद होना स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन प्लान में ही पैसा ज्यादा लग गया। लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ना, आप पता चला कि अंजलि मोबाइल खरीद के लिए 15,000 का है ना, पता चला है ना, अब वो खरीद के लिया है ना, लाने के बाद पता चल रहा है कि ये उसी उससे अच्छा मोबाइल 12,000 में खरीद के लिया है। ठीक है, इसका रीजन क्या था, इनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके पास सूचनाओं का अभाव था है ना, इन्फॉर्मेशन सब जुटे उसके बावजूद भी इनको क्या है वो चीज नहीं, मतलब उससे अच्छी चीज ये लेके आ गए। तो कई बार ऐसा रहता है कि प्लानिंग में इन्फॉर्मेशन बहुत जुटा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन कम मिलने के कारण हमने प्रोडक्ट बेस्ट नहीं कर पाए ना। हो जाता कई बार भी, तो सभी प्रोडक्ट्स में क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक राइटर इस बुक को 100 रुपए में बना के तैयार कर रहा है तो जरूरी है सामने वाली कंपनी भी 100 में ही बना के तैयार करेगी, हो सकता है वो 90 में कर रही हो या हो सकता है 110 में कर रही है, वो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, अब वो कहाँ से प्रोडक्ट खरीद के लाता, कौन सा मटेरियल यूज करता, कौन सी मशीनों का यूज करता, वो लेबर को क्या पेमेंट देता, वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, इस कारण उसके और उनके प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के अभाव में भी प्लानिंग कहीं ना कहीं क्या होती है, सक्सेस नहीं हो पाती है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखो प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय के हिसाब से बदली जा सकती है, थोड़ा बदलाव किया जा सकता है लेकिन प्लानिंग आप पूरी नहीं बदल सकते हो है ना। आपकी प्लानिंग थी यहां से
वैष्णो देवी जाने की, तो आप वैष्णो देवी के कॉर्नर पे आके ऐसे नहीं बोलोगे कि बाढ़ बाढ़ आ रही है तो आप कहीं और मुड़ जाए ना। प्लानिंग क्या होती बेटा, चेंज कर सकते हो आप, लेकिन पूरा चेंजेस करना मुश्किल रहेगा। नहीं बेटा, जैसे ब्रिज के ऊपर पानी जा रहा है, फुल हो गया है, वहां पे जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो चेंजिंग हल्का सा कर सकते हो कि चलो उसके आसपास कोई और डेस्टिनेशन है तो हम वहां पे जाके है ना विजिट करके आ सकते हैं। लेकिन आप पूरा ही चेंज कर दो कि यार घर पे जाएंगे वापस, फिर अगले बार प्लान करेंगे सोचेंगे, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। प्लानिंग क्या होती है कि चेंजेस हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन प्लानिंग में पूरा चेंज करना बहुत मुश्किल रहता है बेटा। आप योजनाओं को पूरा बदलाव करना मुश्किल रहता है, और किसी कंपनी के लिए तो बहुत मुश्किल रहेगा कि प्लान बना दे, उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूरी प्लानिंग को कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर नई प्लानिंग बनाना, नए सिरे से काम चालू करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये एक्सपेंसिव प्रोसेस वाला तो पूरा पॉइंट करना, लेक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ना, इसको यहां तक सर्टेनिटी तक कर लेना, एंड विथ सर्टेनिटी। अब लेक ऑफ फ्लेक्सिबल में चेंज इन प्लानिंग प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड चेंज इन प्लान्स फॉर सक्सेस ऑफ प्लानिंग, इट इज नेसेसरी डेट प्लान आर चेंज इफ रिक्वायर्ड, है ना, यहां तक रिक्वायर्ड तक ठीक है। 5 मिनट सफिशियंट है इसमें। बेटा ये क्वेश्चन आता है, मेथड और प्रोसेस और टेक्निक ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया बताइए, प्रक्रिया प्रोसेस। आप प्लानिंग करोगे तो क्या करोगे, पहले खाना बनाते तो पहले क्या करोगे, आटा छानोगे सर, फिर उसमें हम नमक डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। अरे तो खाना में रोटी बनाओगे ना पहले, तो मैं उसका बता रहा हूँ। नहीं, कई बार प्रोसेस गलत होने के कारण खाना बिगड़ भी आता है, कि मैंने क्या करा, पहले पानी डाल दिया था फिर नमक डाल रहा था ना। प्रोसेस देखो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा अगर आपने प्रोसेस सही नहीं करी तो। एक प्लानिंग की भी कोई प्रोसेस होती है, कुछ तरीके होते हैं प्लान करने के। अब आपको पता है कि सर प्लानिंग क्या है, कैसे करना, लेकिन प्लानिंग करने की एक अच्छी प्रोसेस क्या होती है। देखो प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, एक कंपनी के मैनेजर हो तो आप उसके ऊपर। सबसे पहले आप अपने गोल लक्ष्य को निर्धारित करोगे। क्या देख रहा भैया, सुन लो क्या रहेगी नियोजन की पहली प्रक्रिया। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे कि हमें क्या करना है। जैसे आपने सोच लिया कि हमें MBA करना है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका उद्देश्य। अभी शुरुआत करा, पहले बिंदु पे टच हुए आप, एस्टेब्लिश करें अपने ऑब्जेक्ट, उद्देश्यों का निर्धारण करना। इसके बाद इसको छोड़ देना, तीसरा वाला पॉइंट है ना, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। आपके पास कितने ऑप्शन है MBA करने के, अल्टरनेटिव देखा आपने ना? आपके पास अगर आपको जो भी बनना है तो आपके पास कितने ऑप्शन है। लाइक सर MBA हम इंदौर से भी कर सकते हैं, बेंगलोर से भी कर सकते हैं, किसी और सिटी से भी कर सकते हैं, कि हमारे रिलेटिव कहाँ पर हो, कितना हमारे पास फंड है। अल्टरनेटिव आपके पास बहुत सारे आ गए है ना। अब इसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव को लेना है ना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है, ये दे रखा है ना। तो आपने फोर्थ वाला है, इवेल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है ठीक है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन, आपने देख लिया सर हमारे पास चार ऑप्शन है, चार में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा हमारे लिए वो। फिर इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान है ना, फिर उसको काम को करने का आप क्या करोगे, फॉर्मुलेशन करोगे। हिंदी मीडियम में क्या लिखा बेटा, फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, उप योजना है बनाना है ना। किसी बड़े काम को करने के लिए बेटा MBA करने के लिए आप छोटे छोटी प्लानिंग करोगे कि वो तो हमारा क्या बड़ा प्लान है, मेन प्लान है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को करने के लिए आप पहले 12th का सब प्लान बनाओगे ना, 12th क्लियर होने के बाद फिर ग्रेजुएशन का प्लान बनाओगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद देन फिर उस पर जाओगे। मतलब प्लान के लिए छोटे छोटे सब प्लान्स बनाना पड़ेगा,
और पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा ना? ये तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को करने के लिए सबसे पहले 12th में मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने परसेंट चाहिए, तो इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर तो ग्रेजुएशन के लिए मुझे क्या कॉलेज लेना है, कौन सी ब्रांचेस लेना है, क्या परसेंट चाहिए, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन फिर केट के एग्जाम्स के लिए आपको फिर उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यह सब प्लान बनाओगे, छोटे छोटे बनाएंगे, फिर आप इसका शेड्यूल समय निर्धारित करोगे। हर काम को करने का समय होता है ना, तो आप इसका टाइम डिसाइड करोगे कि मुझे कब कास केस इस टाइम, मतलब किस टाइम पे कितना पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये आपका सब शेड्यूल डिसाइड है, ठीक है। और ये लिख लिया शेड्यूलिंग ऑफ, है ना, ये टाइम डिसाइड करा, शेड्यूल करा इसका, ठीक है। फिर कम्युनिकेटिंग प्लान एंड सिक्योरिंग कोऑपरेशन, फिर लोगों का सहयोग भी चाहिए, आपकी टीम का सहयोग चाहिए, है ना, और फॉलोअप एंड रिव्यू, और जो भी आपका प्लान हो चुका है सक्सेस उसका फॉलोअप ले लो और रिव्यूज लो, है ना, प्रतिपुष्टि कीजिए आप, है ना। ऐसे प्लान हर चीज के लिए, पर किसी भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस बता सकते हैं। लाइक अभी क्या नोड से चल रहा है, देवास जाना है, तो आपका मेन लक्ष्य क्या है, देवास जाना सर, है ना। दूसरा फिर क्या है, आपके पास ऑप्शन कितने है ना। दूसरा पॉइंट ये ना, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, आपके पास विकल्प होना चाहिए। सर बस से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, और पैदल भी जा सकते हैं, है ना, अल्टरनेटिव्स है। अब आपके पास पैसे और समय के साथ साथ बेस्ट अल्टरनेटिव का चयन करोगे, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, है ना। कि सर पैसा तो बहुत है, कार से जाएंगे, है ना, कम है बाइक से जाएंगे, है ही नहीं साइकिल, है साइकिल से निकल जाएंगे, साइकिल भी नहीं पैदल ही जाओ, है ना। तो सिचुएशन ये बेस्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर नहीं, अपन कंपनी की बात कर रहे थे, कंपनी को कुछ काम रहता है तो कुछ कंपनियां क्या करती है, आउटसोर्स भी प्रोडक्शन करवाती है। बहुत सारे ऐसे पेपर्स अपने यहाँ पे इंदौर में छपते हैं, जो होते जैसे नई दुनिया, प्रभात किरण, नव भारत, ये पेपर छपते हैं, लेकिन सब कहाँ से छपते, दैनिक भास्कर से, ना। अब दैनिक भास्कर अपने साथ साथ दूसरों के भी, मतलब ये क्या करते, प्रमोशन करवाते हैं, ब्रांडिंग करवाते हैं इनका, और न्यूज ला के भी देंगे, इनके नई दुनिया के पत्रकार देंगे, वही न्यूज ला के देंगे, लेकिन छापेगा कौन, दैनिक भास्कर, है ना। तो आउटसोर्स, क्योंकि उनको सस्ता है, उनको पता है इंदौर में डिमांड नहीं है ज्यादा, मिट्टी बड़ी पहले महंगी सिटी है, तो यहाँ पर नई प्रेस स्टेबल करना, खरीदना, सब करना, इतना खर्च करने से अच्छा हम क्या करते, इसका आउटसोर्स करवा लेते। बहुत सारे ऐसे रहते कॉल सेंटर, जैसे आप लगाते ना आइडिया पे, एयरटेल पे, हेल्पलाइन पे नंबर 198 इस पे कस्टमर केयर पे, तो कस्टमर केयर पे नंबर जाता कहाँ पे, टेली परफॉर्मेंस है, फर्स्ट सोर्स है, ये आउटसोर्स है। क्या हमारा काम है क्या, आपको सर्विस देना, एयरटेल वाला का काम है आपको सर्विस देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने हायर कर रखा फर्स्ट सोर्स को। फर्स्ट सोर्स क्या करता है, एयरटेल के कस्टमर्स और एयरटेल के बीच में एक मीडिएटर रहता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आउटसोर्स कर देते। बहुत सारी कंपनियां को लगता है कि यार हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा बनेगा, अपन इस कंपनी से बनवा लेते, आउटसोर्स करवा लेना। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके पास कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। आप देख लेना सर हम बाइक से जा सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आप कब, उसके लिए आप सब प्लान करोगे, छोटे छोटे प्लान करोगे, प्लानिंग क्या करोगे, हम कितने, हम चार पांच दोस्त बन जाएंगे, ठीक है, तो सबके पास कितना पैसा होना चाहिए, कौन क्या अरेंजमेंट करेगा, बाइक तेरी हो जाएगी। आप छोटी छोटी क्या कर रहे हो, सब टास्क बना रहे हो उसके लिए, है ना। फिर आपने टाइम डिसाइड करा, शेड्यूल डिसाइड करा कि हम कितने बजे निकलेंगे, है ना। फिर ये सब डिसाइड करने का तो आपस में कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से कि भैया सब एग्री है, कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना। वो हो गया, फिर आखिरी में सबसे फॉलोअप ले लिया, है ना, क्लियर है। तो प्लान करने का एक प्रोसेस होती है सिंपल, ये आठ है, मैंने आपको पांच पॉइंट में समझाने की कोशिश करी, है ना। कौन सा पॉइंट पहला करना, तीसरा करना, चौथा, पांचवा, है ना बेटा। इसमें पांच से छह पॉइंट करना, पांच नंबर में आता है। हाँ कौन सा, देखो इसमें क्या करा, डेवलपमेंट प्लानिंग प्रीमाइसेस, हिंदी में क्या है बेटा इसका, सीमाएं निर्धारित करना, अपने लक्ष्य की भी सीमाएं होती कुछ, है ना, उनको निर्धारित करना कि हमें कहां तक जाकर इस लक्ष्य को पूरा करना है,
ना, एमबीए के बाद भी बेटा पढ़ाई होती है, उसके आगे भी होती है, ठीक है। अगर आपने उसके आगे का भी गोल बना रखा तो बात अलग है। पीएचडी भी कर सकते हैं, एमफिल भी कर सकते हैं सर, नेट्स के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। अगर आपको उसमें और विकासात्मक प्रक्रिया और कुछ करवाना है डेवलपिंग, तो आप वो प्लान कर सकते हो। मैं अभी अपन प्रॉपरली बीएससी नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं सब नहीं पढ़ा के वो बताता हूँ जो एग्जाम में आपको आएंगे, बस है ना। तो एक इसके बाद अगला आता ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी में डिफरेंस, 5 नंबर में उद्देश्य और नीति में अंतर बताइए, क्योंकि इसमें से टोटल ऐसे आपको 7 नंबर का ही आता, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा है, उद्देश्य और नीति में अंतर बताइए, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताना है। फिर पेज चेंज करो तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, नीति और कार्यविधि में अंतर बताइए। हाँ, टाइम बहुत कम बचा है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर में डिफरेंस बेटा, ये दोनों में आपको आज किसमें ये दो क्वेश्चन जो डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस मैं आपको उस पर शेयर कर दूंगा, लिंक पहुंचा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो पहले आप ये देख लेना, इसके बाद पेज चेंज करो, एक लास्ट क्वेश्चन बचा 93 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग या एसेंशियल रिक्वायरमेंट एन एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, एक अच्छी है ना, एक अच्छी बहुत प्यारी है बेस्ट प्लानिंग की विशेषता बताना, क्या होगी आपकी नजरों में एक अच्छी प्लानिंग। देखो इंग्लिश मीडियम का तो पता नहीं, हिंदी मीडियम वालों को बहुत आसान रहता है, 7 का सत्ता। आपकी नजरों में एक अच्छी प्लानिंग क्या होती है, हिंदी में कहा तो पूर्णता, कंप्लीट हो जो कंप्लीटनेस हो। अगर आपको मैंने आधी अधूरी प्लानिंग दे दी बेटा, अगर आपको आधी अधूरी प्लानिंग दे दी तो अभिमन्यु ऐसे मारे जाओगे चक्रव्यूह में, क्योंकि उसको योजना आधी पता थी, जाने की चक्रव्यूह में घुसते कि निकलने की नहीं पता था। वैसे अधूरी है ना, अधूरी प्लानिंग हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करती है। अभी आप अधूरी प्लानिंग ही करते हो, ट्वेल्थ में क्या बनाना है, अच्छा ट्वेल्थ में तो बन गया, पता नहीं क्या करना, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद नहीं पता, हम अधूरी प्लानिंग लेके चल रहे हैं। तो पहला क्या होता है, पूर्णता कंप्लीटनेस है ना, दूसरा स्पष्टता, स्पष्ट हो, क्लियर हो, क्लियरनेस हो, एकदम साफ हो, कोई कंफ्यूजन वाली प्लानिंग ना हो, है ना। एक अच्छी प्लानिंग सर कंप्लीट होती, पूर्णता होना चाहिए। एक अच्छे नियोजन का क्या गुण होता है, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो, है ना, कंफ्यूजन वाला ना हो उसमें कि एमबीए करना तो अभी भी क्या है, क्लियर नहीं है कि सर कौन सी ब्रांच से कर सकते, कहां से कर सकते, तो क्लियर नहीं होना। तीसरा क्या हुआ, संक्षिप्तता, शॉर्ट हो। एक अच्छी प्लानिंग क्या हो कि सर शॉर्ट हो, आसानी से समझ में जाए, उस छोटी हो, है ना, शॉर्ट हो। सिंपल, सिंपल को क्या बोलेंगे, सरलता। ये हर इंसान चाहता है कि सर सबसे सरल चीज हो, क्या हमें आसानी से समझ में जाए, है ना। पूर्णता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सरलता, है ना। अब आपकी इंग्लिश या हिंदी अच्छी तो पूर्णता का, पूर्ण का मतलब हो जाएगा कंप्लीट, है ना, स्पष्टता का मतलब क्लियर हो, है ना, संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट हो सर, और इजी हो, है ना, सिंपल हो, और क्या, मितव्ययिता, मितव्ययिता, इकोनॉमी हो, इकोनॉमी का मतलब सस्ती हो। ऐसी प्लानिंग भी नहीं करना कि पैसा हजारों लाखों रुपए लग जाए, ठीक है। एक अच्छी प्लानिंग की क्या विशेषता है कि बेटा सबसे सस्ती हो, यही है,
इसे इकोनॉमिक बोलते हैं, इकोनॉमिकल हो, सस्ती हो, कि आपका पैसा ज्यादा ना लगे। हम प्लानिंग क्यों करते हैं कि सर हमें अच्छे से अच्छा और कम से कम प्राइस में मिल जाए चीजें, है ना। तो मितव्ययिता हो, और फिर लोचशीलता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबल हो, है ना। लोचशीलता का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। एक अच्छी प्लानिंग क्या होती है कि सर समय आने पे ऐसा नहीं कि अटक गए, अब हम ना आगे जा सकते ना पीछे, है ना, जो समय के हिसाब से क्या कर सके, स्थिति के हिसाब से बदल सके, फ्लेक्सिबल हो, है ना। आपकी प्लानिंग ऐसी ही होनी चाहिए कि आप समय के हिसाब से क्या करो, उसमें एडजस्ट हो जाओ। सर MBA ले हो रहा तो हमें ये तो पता है कि इससे रिलेटेड क्या है, हम बैंकिंग में जा सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी की सर प्लानिंग तो वही रहेगी लेकिन हम डायरेक्शन को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो। और क्या हो सकता है, ना, विश्वसनीयता, ट्रस्टफुल हो, विश्वास हो, आपको ही पता नहीं है, विश्वास नहीं है, है ना। अगर आपको ही आपकी प्लानिंग पे विश्वास नहीं तो दूसरा तो करेगा ही नहीं, है ना। अगर आपने आपकी प्लानिंग पे विश्वास नहीं है बेटा, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक अच्छी प्लानिंग क्या हो जिसपे आपको भी विश्वास हो और दूसरों को भी हो। कोई हवा में बात करने वाले ना, नहीं सर हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर देंगे, पूरी प्लानिंग है, पर आप भी अटक गए, फैमिली वालों को भी अटका दिया, लाइक उनके पैसे भी डूब जाते हैं ना। विश्वसनीयता, तो आपकी ट्रस्टफुल हो प्लानिंग, इतनी हो कि आपको भी विश्वास हो, सामने वालों को भी आप विश्वास दिला सको कि नहीं आपकी जो प्लानिंग कर रहे हैं वो अच्छी रहेगी। ये सातता है बेटा, पूर्णता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, मितव्ययिता, है ना, लोशीलता, है ना, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो जिसको आप व्यवहार में, है ना। सात, कोई पांच ही बताना आपको, पांच ही बताना है, सात नहीं बताना, कोई पांच प्लानिंग बताना आपको, बता सकते हो बेटा। हिंदी मीडियम का एक अच्छे नियोजन का महत्वपूर्ण गुण है कि उसको पूर्णता के गुण विद्वान हो, अतः वो प्लानिंग नियोजन क्या योजना है, पूर्ण हो, है ना, स्पष्ट हो, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई हो उसको, है ना, संक्षिप्त हो, कि आसानी से समझने योग्य हो, संक्षिप्त हो, बड़ी से बड़ी बात को प्लानिंग को आसान भाषा में समझाने का, है ना। सरलता का गुण हो, कि आसानी से सभी के समझ में आ जाए, भैया मैं MBO में IIT IIM में पढ़ा हूँ, मैं ऑल इंडिया रैंकर के दिमाग रखता हूँ, मेरी प्लानिंग बहुत टफ है। अरे भैया काम कर किससे करवाओगे, वर्कर से, वो MBA थोड़ी ना है, वो अनएजुकेटेड है, आपने अपने लेवल की प्लानिंग उसको समझ में भी तो आनी चाहिए। तो एक अच्छी प्लानिंग कब रहेगी, जो इतनी इजी हो कि आसानी से छोटे लेवल को भी समझ में आ जाए, है ना। पिक्चर ऐसी बनाओ जो सबको आ जाए, तो कुछ दृश्यम जैसे हर किसी को नहीं आती समझ, है ना, अच्छी पिक्चर है समझ में नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर किसी को नहीं आती है, ये बोलो एक अच्छी है, सबसे सस्ती मूवी है तो सबसे अच्छी है, यही मूवी उसने बनाई थी, साउथ में बनी थी, 6 करोड़ की मूवी थी, 60 करोड़ कमा के दे दी, एक अच्छी थी, बस ये कि ज्यादा टफ भी ना हो, है ना, सरलता हो। एक अच्छी प्लानिंग के, तो मैं पिक्चर की बात बता रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, अगर आपने अपने लेवल पे प्लानिंग बना ली हो, छोटे एम्प्लॉयज को नहीं आई तो भी आपकी प्लानिंग फेल होना है, ठीक है। मितव्ययिता, एक अच्छे नियोजन का गुण होता है जिसमें मितव्ययिता का गुण विद्वान होना चाहिए, है ना, मतलब वह योजना है सरल और क्या होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, एक नियोजन का एक अच्छा गुण होता है कि उस समय और परिस्थिति के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सके, फ्लेक्सिबल हो। विश्वसनीयता, ट्रस्टफुल हो, विश्वास किया जा सकता हो जिसके ऊपर, और जो व्यवहारिकता, मतलब व्यवहारिक जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हो, हमारी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, है ना, और एक्चुअल में हमसे कुछ भी हो पाता है तो दिक्कत होती है, प्लानिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। ये होते सात का, हिंदी में अगर समझ सकते हो तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेना।
जैसे हेनरी फॉल के प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे, वो इंग्लिश में था तो हिंदी मीडियम वालों को कन्वर्ट करना था। डेड यूपीएससी बताया था ना, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ पावर, यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों? ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। वापस इस पे क्वेश्चन देख लो, है ना? मैं लिखवा देता हूँ पहले इन क्वेश्चंस को। कॉपी लाए हो बेटा? 2 मिनट कॉपी निकाल लो, लिख लो इन क्वेश्चंस। जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूं केवल यही करना है। बेटा पहला क्वेश्चन, डिफाइन प्लानिंग, नियोजन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन प्लानिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एवं इसकी किसी किन्हीं 5 विशेषताओं को बताइए, है ना? एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना आपको। ये पहला क्वेश्चन है इसी में। दूसरा, एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्ट/ में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। एनी 5 ऑब्जेक्ट, एनी 5 ऑब्जेक्ट/ में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन के किन्हीं 5 उद्देश्य/ में महत्व को समझाइए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के है ना है? इसके बाद एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑब्लिक में डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। बेटा नियोजन की सीमाएं बताइए कोई 5। फिर बेटा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया समझाइए। 5-6 पॉइंट में समझाना जो मैंने आपको बताया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फिर बेटा इसमें है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी, उद्देश्य एवं नीति में अंतर बताइए। ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। बेटा दूसरा, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, नीति एवं कार्य विधि में अंतर बताइए। नहीं नहीं ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर, नीति एवं कार्य विधि में अंतर बताइए। कितने क्वेश्चन हो गए? एक लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग, है ना? एक अच्छे नियोजन के आवश्यक गुण लिखिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग। बेटा 7 क्वेश्चन है, इसके बाहर आपको नहीं करना है। एग्जामिनर क्या करता है, डिफरेंस पूछता है इसमें और इसके ओवर में ऑब्जेक्ट पूछेगा या प्रोसीजर पूछ लेगा, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। और इससे अभी भी कह रहा हूं 1 नंबर का बाहर नहीं आएगा, यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बट इसके एक बार ऑब्जेक्टिव बोर्ड पढ़ लेना आप, ठीक है?